बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेके। लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप, जैसे कि मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ, आप उसमें से बहुत कुछ चीज़ें सीख भी रहे होंगे और साथ साथ आपकी राय भी आ रही है, फीडबैक भी आ रही है। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी बताएं कॉल करके कि आप कोई ऐसी रेसिपी जो कि आपको लगता है कि थोड़ी सी उसमें वेरिएशन अगर इस तरह से हो तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आगे ईद भी आने वाली है, तो सबको ये होता है कि थोड़ा सा इसकी क्या क्या वेरिएशन हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप राय ज़रूर दें और फ़ोन करके बताएँ। यही नहीं, साथ साथ आज जो जैसे आप रेसिपी जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत कहते हैं कि आपको अच्छी तो लगती है, लेकिन थोड़ा सा इसके बनाने की थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं कुछ रेसिपीज़ की। जैसे कि ये रेसिपी आज हमारी चाइनीज़ में आ रही है, जैसे कि आज हम बने आज का जो हमारा मेन्यू है, चिकन कैशनट इन ब्लैक सॉस और साथ में चिकन पॉपर्स बनेंगे इन हॉट सॉस, और साथ में जो ड्रिंक बनेगी वो है हनी पाइनएप्पल ड्रिंक। बहुत मज़े की आज तीनों ये रेसिपीज़ हैं। इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका आपको बता दूँ, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारे पास चिकन ब्रेस्ट के कुछ पीसेज हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाई स्टेप, आपको बताती हूँ उसको हम कैसे करेंगे। जी, सबसे पहले हम इसमें ऐसा करेंगे कि ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, ताकि हम सबसे पहले जो हमारी जो चिकन स्ट्रिप्स हैं उसको हम करेंगे सौते, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से इसको हम जो इसकी मेन चीज़ें हैं जिसमें हम इसको सौते करके इसको हमें बनाना है, वो है सोया सॉस, हॉइजन सॉस, वूस्टर शेज सॉस, साथ में क्रश चिली एंड ब्राउन शुगर एंड ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा मिक्स कर लें, इकट्ठा भी मिक्स कर सकते हैं आप, इसमें एज इट इज़ डालेंगे वो भी ठीक है। जो लोग जिनको थोड़ा सा ये है कि वो फर्स्ट टाइम अगर बनाना है तो वो ये करें कि इन सब चीज़ों को अकॉर्डिंग टू रेसिपी आप एक इसको छोटे से बाउल में ऐड कर लें, उनको फिर 1 टीस्पून जो जो जितनी चीज़ें उसकी क्वांटिटी है आप उसमें ऐड कर लें, उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें, फिर चिकन में आप सारा इसको मैरिनेशन कर लें, और उसके बाद आप जब इसको जिंजर गार्लिक में सौते करेंगे तो जो आपने इकट्ठी सी एक सॉस बनाएगी वो आप इसमें मिक्स कर दें। लेकिन मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी इसको हम कैसे करेंगे। उसके अलावा इसमें हम सबसे पहले अगर वेजिटेबल आप डालना चाहें तो इसमें कैरेट, सेलरी, मटर, पीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे मेरे पास आज कैप्सिकम्स तीनों कलर में मुझे मिल गई, तो मैं आज इसमें वो ऐड करूँगी जिसमें रेड कैप्सिकम साथ में येलो एंड ग्रीन, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी ऐड करेंगे, ये आपको दिखा देती हूँ मैं। साथ में इसमें कैरेट भी थोड़ी सी फाइन चॉप करेंगे, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, ताकि हम अपने जो उनका चिकन है उसको हम करेंगे स्टर फ्राई। अच्छा, अगर आप इसको मैरिनेट करके रख देंगे तो आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दें, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं स्टेयर फ्राई। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है और मैं आपको ज़रा फटाफट करना बताऊँगी, हम सबसे पहले इसमें करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये देखें, अच्छा जी, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कलर देंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आज आपको बताया क्यों नहीं कि ब्रेक के बाद आपकी और हमारी सबकी फेवरेट सामा खानी हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल करनी है, आपने राय करके अपनी राय भी दे बतानी है, और यही नहीं, साथ साथ आप इनसे जो सवाल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। कॉल और फीडबैक आपकी मस्ट होनी चाहिए, इससे ज़रा एक सिलसिला चलता रहता है और साथ एक आपको मोटिवेशन मिलती रहती है, हमें तो बहुत ज़्यादा मिलती है। ये जी, इसमें हम साथ इसको करेंगे स्टर फ्राई। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, ये देखें चिकन बहुत इसके थिन से स्ट्रिप्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ताकि जब ये बनेंगे तो बहुत श्रिंक से ये हो जाएंगे और बहुत इजीली कुक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको पकाते हैं इसका टाइम एटलीस्ट 7 से 10 मिनट का टाइम है। अगर मैं तेज़ आँच में पकाऊँगी तो तकरीबन इसको 7 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह से कुक करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको 10 मिनट्स दें, 7 मिनट कुकिंग का और 3 मिनट इसको दम का। ये देखिए, इसको हम अब हल्का सा स्टेयर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं आता। अब इसकी जो बाकी की जो हमने चीज़ें ऐड करनी थी, जो मैंने आपको बताई थी, अब इसे हम वो ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छा जी, सोया सॉस ये पड़ी है, मैं वो भी निकाल लेती हूँ, हमारे पास सोया सॉस पड़ी है। उसके अलावा हमने इसमें वूस्टर शेज़ सॉस वो ऐड करनी है, फिर उसमें हमने हॉइजन सॉस वो ऐड करनी है, ये हमने इसमें वो ऐड करनी है। उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा ये पड़ी है ब्राउन शुगर, और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर,
ये ब्लैक पेपर एंड इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। ये सब चीज़ें आप अगर इन सब चीज़ों को एक बाउल में डाल के इकट्ठा मिक्स करके रख लेंगे तो भी आप चिकन के ऊपर जिंजर गार्लिक लगा के और ये सब चीज़ें मिक्स करके आप इसको रख दें और इसको 10 से 15 मिनट्स का आप इसको फ्रिज में रख दें। जब अच्छी तरह से इसमें चीज़ें ये सॉसेस हमारी मिक्स हो जाएंगी हम इसको तेज़ तेज़ स्टर फ्राई करेंगे और फिर इसको निकालने के बाद इसका हल्का सा पानी इसमें ऐड करके थोड़ी थोड़ी सॉसेस बाद में इसमें और ऐड करेंगे और उसी में फिर इसको हम निकाल के उसी हम सॉस के अंदर इसमें जो वेजिटेबल्स हैं हम उसको वो फ्राई कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपके सामने करूँगी, अभी हम इसको चिकन को अच्छे से पकाएंगे। आप देखिए इसका कलर अभी थोड़ा सा है, अब इसमें टाइम है थोड़ा सा तकरीबन, ये देखें ज़रा इसको हम अब टाइम कलर देंगे। अच्छा इसके साथ साथ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं हम साथ साथ वो भी निकाल लेते हैं जो हमारी इसकी वेजिटेबल्स हैं और साथ में इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग आप ऐसा करें कि चूँकि हम स्ट्रिप्स में कटिंग कर रहे हैं तो हम जो हमारी जो वेजिटेबल्स होंगी उसकी भी हम कटिंग स्ट्रिप्स में करेंगे। ये देखें ज़रा, ये देखें हम जो ग्रीन चिलीज़ है उसकी भी कटिंग स्ट्रिप्स में होगी और जो बाकी की हमारी वेजिटेबल्स होंगी जैसे कि ये कैप्सिकम हमारे पास येलो कलर में पड़ी हुई है इसको भी हम करते हैं। ये देखें इसकी कटिंग भी हम जूलियन कटिंग में ही करेंगे। ये देखें इसको भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे इसके साथ ही की ताकि चिकन के साथ जो इसकी वेजिटेबल्स के अंदर जा रहे हैं वो भी एज इट इज़ उसी ही कलर के इसमें हो जाएंगे। वेजिटेबल्स को हम अलहदा से सौते कर लेंगे जल्दी से ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कैप्सिकम को आप जल्दी से स्टर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर से इसकी सीजनिंग कर दें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आप इसको पानी डाल के हल्की आँच पर पकाएंगे तो उसका थोड़ा सा एक तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसकी जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी। साथ में ग्रीन कैप्सिकम ये भी हम काट लेते हैं। हम ऐसे कलर में काट लेते हैं, इसको भी हम जूलियन कटिंग में काट लेंगे और इसके साथ इस जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जिसमें सीजनिंग करनी है आपने वो भी साथ साथ करनी है। अभी हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया ना इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। अभी इसको मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ और स्टर फ्राई करने के बाद इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं काट रही हूँ और उसके साथ साथ ये जो कैप्सिकम ये भी कट चुकी है, जिंजर और साथ में जो गार्लिक है वो हम इसमें ऐड करके इसमें हम स्टर फ्राई कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एक लुक बनेगी। इसको वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या जो आपको राइस अच्छे लगते हैं आप उसमें बना के इसको आप इसमें इसको कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा हमने वेजिटेबल सारी एक जैसी काट ली हैं, आप भी इसको जूलिन कटिंग में काट लीजिएगा और इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी जब आप इसको डिस्प्ले में करेंगे क्योंकि आपका चिकन की कटिंग भी जूलियन में है और इसकी कटिंग भी जूलियन में ही है। ये लीजिए हमें तमाम वेजिटेबल्स में काटनी है और इसको हम इसमें पैन में डाल लेते हैं अपनी तमाम वेजिटेबल्स को। ये देखिए ये ले हमने तमाम वेजिटेबल अपनी इसमें डाल दी, साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे खुशबू के लिए साबुत लाल मिर्च और साथ में इसमें हम इसको तेज़ से पकाएंगे। जब भी आप खाना पकाते हैं तो उसके जो लवाजमत इसके मिटन जैसे मैंने पहन लिया या कुछ उसका नैपकिन ज़रूर अपने पास रखा करें क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कभी जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं तो हाथ का भी थोड़ा सा आपको होता है कि गरम गरम चीज़ पकड़ने से जल जाती है। और दूसरा ये कि मैं तो अपने किचन में ख़ास तौर पर जब भी काम करना होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर रखती हूँ जैसे कि अगर आपकी चोट लग सकती है आप उसकी बैंडेज रखें अपने पास और साथ में ऐसी चीज़ें कि जिससे आपको फ़ौरन हो। और एक और चीज़ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं हमारी फील्ड में तो ये होता है कि अगर ज़रा सी भी नाइफ लग जाती है तो हमें काम करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरियाज खाने में जा सकते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें कि अगर कुछ ऐसी हो तो आप फ़ौरन उसका ख्याल पहले करें। अच्छा जी यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसमें मैं अभी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करूँगी बल्कि मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि फिर हमारी ब्रेक का टाइम आ रहा है तो फिर ब्रेक के बाद आपको मैं बताऊँगी इसमें बाकी कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अभी हम इसमें मैंने डाला है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। यहाँ पर व्यूअर्स आ गए ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें पकौड़े, चिकन, कैश्यू नट इन ब्लैक सॉस और साथ साथ सामर जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सामर जी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहिए, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, ऊंची नीची तो चलती रहती है ना। मौसम भी कुछ है ना, पेट में दर्द है थोड़ी सी और जो है वो पता नहीं क्यों है। अच्छा, मेरे साथ तो आमतौर पर ऐसा कि अगर मुझे पेट में वैसे कभी आम तौर पर दर्द हो तो थोड़ी सी टेंशन की वजह से भी हो जाती है। कभी आपके जिम्मे थोड़ा सा होता है ना कि समझ नहीं आती कोई चीज़ें, मैनेज नहीं मेरे से हो पा रही, तो या मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छा। लोगों को होता है, तो आपको तो नहीं ऐसा कुछ कि कुछ खाने की वजह से हो सकता है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। और आई थिंक वो क्योंकि शायद मैं आजकल बहुत काम भी कर रही थी। हाँ। वो हब्स भी बहुत बुरा है। ये तो है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मैंने आपको ड्रिंक बताई ना, मिंट मार्केट, एक तो बहुत एनर्जी बूस्ट करती है। मुनीरा, दुबई वाले भी ह्यूमिडिटी से परेशान है क्योंकि ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, तो वो ह्यूमिडिटी हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है। आप लोग खुशकिस्मत हैं, अहले लंदन, अहले यूरोप के मौसम अच्छा है, आपके पास मौसम अच्छा है जी। और आज आपको पता है कि हम बना क्या रहे हैं? अरे मैंने पूछना ही भूल गई अपनी तकलीफ। आज हम बना रहे हैं चिकन कैश्यू नट इन ब्लैक सॉस, बहुत मज़े का बनेगा। हाँ। और बहुत लाइट होता है। और आपको पता है कि आजकल के मौसम में आपका दिल करता है कि आप ऐसा फूड खाएं जो बहुत लाइट हो और इजी, आप उसको इजीली, आप उसको कहते हैं ना, हज़म कर सके, वो वाला हो। तो आज हमारा खाना भी बहुत मज़े का बने और साथ साथ आपको आपकी कॉल्स भी हमारे व्यूअर्स की आएंगी, आज उनके भी बताएंगे, पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, बस इस तरह ही है। साथ साथ ये भी मुझे बताएं सामर जी, अगर आपको कभी कोई चीज़ झटपट कोई करनी हो रेसिपी, तो आपकी कोई अपनी कोई है रेसिपी क्विकली जल्दी से पकानी, जल्दी से बनाना हो कुछ? ऑमलेट। ऑमलेट आमतौर पर ऐसा होता है, ऑमलेट भी वो वाला खागीना नहीं जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आलू उंडे वाला खाना है कि वो जब मुझे कभी एक रोटी में हफ्ते में खाती हूँ क्योंकि मुझे गंदम मोटा करती है। अच्छा अच्छा, गंदम मेरे लिए जो है ना वो है कि बस ये समझो ये मेरी फैटनिंग चीज है। तो मेरे कभी कुछ होता है कुछ लोगों को ऐसा होता है, रोटी के साथ वो जो खागीना होता है ना वो बड़ा मेरा फेवरेट होता है। बिल्कुल, बल्कि किस दिन हम वो बनाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। जो मैं खाती थी ना मुनीरा, वो मेरा मोहम्मद भी खाता है, बेटा मेरा। अच्छा अच्छा, चावल के ऊपर उबले चावलों की चटनी डाल के, ये भी मेरा फेवरेट खाना है, एक साथ शामी कबाब और हरी चटनी और उबले चावल, ये बड़ी होती है। मेरे से जब भी कोई पूछे ना कि ऐसी कौन सी कोई खाने की रेसिपी है जो आप डेली भी अगर खाएं तो बोर नहीं होते, तो मैं हमेशा वो बताती हूँ, वो दाल चावल अचार के साथ। कि आप वो ऐसी एक रेसिपी है कि आप उसको डेली खाना, मैं दाल चावल के ऊपर ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। जी जी सामर जी हमारे कॉलर भी हैं माशाल्लाह, तो उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं फरहाना बात कर रही हूँ लंदन से। जी फरजाना, कैसी हैं आप? जी मैं कैसी हूँ आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। आपके प्रोग्राम का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ज्यादा हो जाएगा, आपने पसंद किया। आप क्या कहना चाहेंगे? और सामिया जी भी हमारे साथ हैं। हाँ, सामिया की सेहत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके पेट के दर्द को सही कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने मतलब पे आ जाती हूँ, फोन किया। अच्छा लगा मुझे आपकी साफ गोई और हक गोई पसंद आई मुझे। ऐसे ही है, दुनिया इसी का नाम है मुझे लगता है ना। अपने मतलब के लिए दुआ मांग दो उसके पेट का दर्द ठीक हो जाए बुराना। अच्छा जी बताएं मैं क्या नहीं, खिदमत करूं? वो तो दिल से दुआ है, वो दिल जी से बताइए मुझे। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 13 February 1970। 13 है ना, 13 फरवरी जी 1970। 70। और फरहाना जी, कुछ वक्ते पैदाइश का आइडिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। और उन कराची में पाकिस्तान में पैदा हुए। अब अगर आप हमें मियां का नाम और सवाल दोनों इंफॉर्मेशन दे दें। जी, मोहम्मद वसीम जिया नाम है उनका। आपने सुना मुनीरा नसीम के? मोहम्मद वसीम, W से या N से? W, वसीम जिया, वसीम। ठीक हो गया। अच्छा, और सवाल बता दीजिए फरहाना जी। सवाल ये है कि इनकी जॉब के मुतालिक एक तो मुझे पूछना है, और घर के लिए हम काफी परेशान हैं, तो घर का हो नहीं रहा है, तो ये चीज पूछनी है, और बाकी जो समझ में आ रहा है बता दें थोड़ा बहुत जो भी नजर आ रहा है। सबसे पहले एक खुशखबरी है फरहाना जी कि आपसे बड़ा जेन्युइनली प्यार करते हैं ये।
अच्छा माशाल्लाह, ये तो मुझे पता है। मुझे तो नहीं ना पता, मुझे तो जायचा बता रहा है ना फराना। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब एक होता है ना कि इंसान समझते हैं मेरी खुशफहमी है, ऐसा नहीं है, वो समझते हैं कि आप उनकी गुड लक हैं, आप उनके लिए बड़ी नेक शरीक हयात हैं और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। हाँ क्योंकि वही ना, जबान से कोई कहता नहीं, आप बता रही हैं तो दिल में तो फील तो होता है कि ऐसा है, लेकिन आप बता रही हैं तो कंफर्म है। होगा। अच्छा अब आप यूं कीजिएगा कि अब आप लाइन पे रह के, फरहाना जी लाइन पे हम आपकी डिस्कनेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब मैं इसमें से भी आपको देने लगी हूँ। खुदा की ज़ात ने चाहा तो जॉब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा जॉब हाउस लेके पैदा हुए हुए हैं, क्योंकि मुझे आपके मियाँ के पैसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि विद इन टू मंथ्स जो है चीज़ें बेहतर ट्रैक पे आ जाएंगी। इस महीने की 14 अगस्त गुजरी है, 1 सितारा वहाँ से सीधा हुआ है, दूसरा सीधा होगा 19 अगस्त से, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए, प्रॉब्लम वहाँ से कम होनी शुरू होती है। और नवंबर से नज़र आता है कि आपके मियाँ के माशाल्लाह फाइनेंसेस रेज कर रहे हैं, ये पटरी पे नहीं आ रहे बल्कि उनमें माशाल्लाह बढ़ाव आ रहा है आमदनी में, तो वहीं से अल्लाह पाक मुश्किल सॉल्व कर देंगे। अब आपने जहाँ तक की घर की बात, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो घर भी इसी ड्यूरेशन में, ये 2-3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम 13 सितंबर से चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। तो अल्लाह ने घर का भी कर देना है, रोज़गार का भी कर देना है, रोज़गार में इजाफा भी करना है। तो आजकल तीसरा कलमा पढ़ती रहिए, किसी भी वक्त इंशाल्लाह चीज़ें आपकी मियाँ की ठीक होने जा रही हैं। जी मुनीरा जी, जब तक अगला कॉलर नहीं आता मैं तुमसे क्या पकाना सीखूँ? मैं बस बना रही हूँ, मैंने व्यूअर्स यहाँ पर जो वेजिटेबल काटी थी वो उसको मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ ऑलिव ऑयल के अंदर तकरीबन, और साथ में इसमें हल्का सा मैंने सॉल्ट एड, वेजिटेबल अलग से फ्राई हो रही है, और जो हमारा चिकन था उसको मैंने इस तरह से जब स्टर फ्राई हो गया, पानी उसका खुश्क हो गया, उसमें मैंने जो सॉसेस थी वो मैंने सब सॉसेस ऐड कर दी, इसमें मैंने तमाम हर्जन सॉस भी ऐड कर दी, वर्स्टरशायर सॉस भी ऐड कर दी, सोया सॉस भी ऐड कर दी। अब इसमें रहेगी ब्राउन शुगर ऐड करने वाली, वो थोड़ी सी हम ऐड करेंगे, ब्राउन शुगर से ऐड की जाती है ताकि थोड़ा सा जो उसका फ्लेवर आता है टेंगी सा वो थोड़ा सा स्वीट में आ जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी हम ब्राउन शुगर थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे और इससे थोड़ा सा फ्लेवर बहुत क्विकली हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल बन चुका है, और इसको भी हल्का सा करेंगे कि जो हमारी वेजिटेबल यहाँ सौते हो रही हैं इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये बड़ा स्पेशल होता है, जो शेफ ही कर सकता है, जो एक्सपर्ट होता है ऐसे ऐसे, हम तो आधा चूल्हे में गिरा देंगे। तो ये ना ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी सामे जी, हमारे कॉलर भी आ गए माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नुशाबा बोल रही हूँ, मैनचेस्टर से जी। नुशाबा, नुशाबा जी, नुशाबा कैसी हैं आप? सामे जी हमारे साथ हैं जी, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है। जी जी पूछिए। अगर आप हमें स्टूडियो में थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, या नुशाबा जी जरा सा अगर आप अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लीजिए। हाँ जी 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 जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है। उसका नाम है अंश। अंश अलिफ से जी, और अंश जी अलिफ से। हाँ जी, और उसकी तारीख पैदाइश है 4 फरवरी 1985। और ये बाहर पैदा हुआ था या पाकिस्तान में? जी 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 जी, बाहर ही पैदा हुआ है। तो मुझे पाकिस्तान का टाइम बता दें नुशाबा, ट्रांसफर करके टाइम उस वक्त जी कोई इधर रात के 12 थे, तो फिर पाकिस्तान में उस वक्त सुबह के 5 तकरीबन 5। ठीक हो गया। और अगर पाकिस्तान में 5 होते हैं तो डेट चेंज तो नहीं होती है ना? नहीं जी, 4 इधर भी डेट हो गई थी चेंज, 12 बजे थे ना, बस ठीक हो गया, जस्ट आफ्टर 12 थे ना। अब आप नुशाबा जी मुझे बता दीजिए अंश के बारे में सवाल क्या है आपका? बस उसका सेहत का पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसकी पूरी लाइफ जो है ना वो ब्लॉक होगी उसकी वजह से, काम की और उसकी सेहत किसी
जी नौशाबा जी, उसको उसका स्टमक एरिया कैसा है? इस तरह तो ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन उसको स्किन की तकलीफ है, स्किन की तकलीफ है, एक्जिमा। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब उसकी पूरी लाइफ ब्लॉक हो गई है लास्ट 10-12 साल से ना, बिल्कुल किसी काबिल वो नहीं है। लेकिन शुक्र है मेरे मेरे पास परेशानी है नौशाबा, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने मैं आपका कॉल करने का मैं बड़ी आपका मुंह, हाँ ये मैं भी दुआ करूँगी, यकीन करें मेरी दिल से दुआ होगी आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया नौशाबा जी कॉल करने के लिए। और मैं जो जो प्लीज़ आपको बताऊंगी वो रेमेडीज़ आपने करनी है, क्योंकि मैं वाकई आपके लिए अपसेट हुई हूँ। अल्लाह ताला औलाद का दुख माँ बाप को ना दिखाए, हालांकि खुदा ने मुझे इस नेमत से नहीं नवाजा, इसके बावजूद मैं बहुत होती हूँ कि अल्लाह पाक पेरेंट्स को कभी भी औलाद की तकलीफ़ में ना डालें। और उसके अलावा आप जो पहला काम करेंगी ब्लू सैफायर नीलम, आप उसका वज़न 3 कैरेट से कम नहीं लेना आपने, या पेंडेंट की तरह उस बच्चे के गले में डालेंगी, या आप सीधे हाथ में फिंगर रिंग बना के डाल देंगी। ये रेमेडी आपने ज़रूर करनी है। दूसरी रेमेडी आपने करनी है कि अगर हो सके तो घर में छोटा सा फिश एक्वेरियम बना लीजिए, और मंगल के दिन तो स्पेशली घर में बीफ मटन चिकन जो भी है वो उन फिशेस को डाल दिया करें। और ये काम आपने उसकी नियत से ये काम करना है, और ये मुश्किल लगे मछलियों को तो मंगल के मंगल आपने थोड़ा सा जितना आपकी मुट्ठी में गोश्त आ जाए परिंदों को डाल देना करना है, बच्चे की नियत से या बच्चे का हाथ लगा के। और क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ नज़र आती है जादू टोने के असरात जो होते हैं वो बच्चे की यहाँ पे नज़र आता है कि जो डैमेज करते हैं, लेकिन वो भी तब डैमेज करते हैं जब कुदरत की तरफ से बुरा वक्त चला हुआ होता है। 12 साल के बाद 8 नवंबर को जो सितारा इसके हेल्थ हाउस में आने जा रहा है वही इसको शिफा बख्शेगा, गैब से शिफा बख्शेगा। मैं पूरे यकीन से ये बात कहती हूँ, और अल्लाह मेरी इस बात के लिए इज़्ज़त रख लें। ये आपने ज़रूर करना है, जो टोटके आपको दे रही हूँ एक सदका है, और दूसरा आपने मैंने इसको कहा है कि आपने इसको स्टोन पहनाना है, और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आप माँ हैं आपका पड़ावा नहीं टलेगा, या अल्लाह हो या सलामो, आप इसकी 1.25 लाख मंजिल कर सकती हैं ख़ुद भी। और बहुत इजी है, आप काउंटर वाली तस्बीह को ले लीजिए और उस पर जब 10,000 हो जाए करेगा ना नौशाबा, आपने एक जगह कहीं लिख देना है, चाहे ये 2 महीनों में करें चाहे आप इसको 6 महीनों में कंप्लीट करें, अल्लाह ताला के इस नाम के सदके आपने मांगना है या अल्लाह या सलामो। और वो उस काउंटर पे 10,000 आप करती जाएंगी, वो आपके लिए इजी होता जाएगा, वॉक करते हुए वज़ू है वज़ू नहीं है ज़ुबान पाक है, आप अल्लाह के इस नाम के सदके शिफा मांगिए, क्योंकि 8 नवंबर को सितारा आने जा रहा है, कुन मालिक ने कहनी है। लेकिन मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा। आई एम सॉरी, आप ब्रेक लेने के लिए मुझे लग रहा है आपकी मुझे खामोशी बता रही है। नहीं नहीं, लेकिन नौशाबा क्योंकि मैं परेशान थी बिल्कुल, आप मैं चाह रही थी कि आप बात कंप्लीट कर ले, फिर यहाँ पर हमारी छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ चिकन कैशियो नट रेडी हो चुका हुआ है और उसको आप देख सकते हैं डिस्प्ले में लगा दी, तो यहाँ पर लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें चिकन कैशनट इन ब्लैक सॉस ये रेडी कर चुके हैं। अच्छा मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि मैंने जो चिकन था उसको मैंने बिल्कुल अलग से इंडिविजुअली भी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, और जो उसकी सॉस मैंने बनाई है वो मैंने अलग से बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी हमने सॉस भी बनाई है। सॉस इसकी जो थी ब्लैक, इसमें जो यखनी थी, यखनी में वही सारे सॉसेस डाल के इसको पका के इसको हम हल्का सा गाढ़ा करके रख दिए।
इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में खाएं तो भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको अगर खाएंगे सॉस के साथ तो भी बहुत ठीक है। मैंने इन दोनों को इसलिए मिक्स नहीं किया कि अगर आपने जब खाना है आप उसका खाना है, अगर आपको थोड़ा सा भी देर कर देंगे तो उसका जायका और उसका कलर सब्जियों का सब ख़राब हो जाएगा। तो ये एक टिप है आपको बताई। जो हम सेकेंड रेसिपी सामा जी मैं फटाफट बता दूँ, वो हमारी चिकन पॉपर्स इन हॉट सॉस है। आजकल इसको बहुत ये पसंद किया जाता है, फ्रोज़न फूड्स में बहुत अच्छा मिलता है। तो इसकी क्या तरीका अगर मैं बता दूँ फटाफट आपको, हम चिकन क्यूब्स लेंगे बोनलेस, उसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगे उसमें होगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, साथ में गार्लिक, उस पर पेस्ट डाल सकते हैं, गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एक अंडा डालें, एक इसमें आप फ्लोर डालें, मैदे का मतलब एक चम्मच डालें इसमें, इन सबको मिक्स करें, पेपरिका पाउडर ऐड करें और आप इसको थोड़ी देर रख देने रेस्ट देने के लिए ताकि इसमें तमाम मसाला इसमें आ जाए। तो उसके बाद हम इसमें कोटिंग करके इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसको आप सर्व बारबेक्यू सॉस इसमें थोड़ी सी मिक्स करके कर सकते हैं, आप इसे चिली सॉस, मैं हॉट सॉस बनाऊंगी उस पर मिक्स करके इस पर टॉस करके सर्व करूंगी। तो मैं तब तक इसकी मैरिनेशन रेडी करती हूं, आप तब तक देखें हमारा चिकन कैशनट एंड ब्लैक सॉस का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी। Hello? कौन? हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम तबस्सुम है, मैं ग्लासगो से बात कर रही हूँ। जी तबस्सुम, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं, सामिया जी भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, बस देख रही हूँ, आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं सामने पूछना चाहती हूँ कि मुझे एंगर इशू है और मैं उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहती हूँ हर वक्त, तो कोई स्टोन वो बता सके जो मैं पहन सकूँ जिससे मुझे कोई फ़ायदा हो सके? इशू क्या बता? एंगर, एंगर गुस्सा बहुत आता है मेरा। एंगर इशू है? एंगर इशू भी तो स्टोन काम करता है। चलें, मुझे सवाब होगा जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड है जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मुझे दीजिए अपनी, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ये हल हो जाएगा, ये मैं शर्तिया कह रही हूँ आपको, आप गुस्सा करना भूल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे दीजिए तारीख पैदाइश दीजिएगा अपनी। 31st of October 1988। 31 अक्टूबर। हाँ जी। और 1988। और मुझे टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा, अगर पाकिस्तान में पैदा हुई है, वरना फिर मुझे शिफ्ट करके टाइम बताएं। 5:30 सुबह के 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम। मैं वैसे पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। और आपका नाम मैं भूल गई। तबस्सुम। तबस्सुम, 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 दिल तो बड़ा मासूम है बच्चों वाला, जल्दी सॉरी भी हो जाती हो गुस्सा करने के बाद। लेकिन उसका फायदा नहीं होता, नुकसान हाँ, हो जाता है, तीर कमान से निकल चुका होता है। अच्छा तबस्सुम जी, आप लाइन पे रहिएगा, सॉरी फिर मैं ये बोल जाती हूँ, आपने स्क्रीन के सामने रह के अपना जवाब सुनना है। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया, सिर्फ कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को ले सकें। 92 ने जो प्लेटफॉर्म हमारा और आपका जोड़ा हुआ है आपस में, आपके गुस्से की एक रीज़न मुझे और भी समझ में आती है, लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि एक छोटा सा अल्लाह का नाम है, या अल्लाह हो या लतीफ़ो, ऐ मेरे अल्लाह मुझ पे अपनी प्यार, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत डाल दीजिए। ये भी आप कीजिएगा, आपकी बिटरनेस खासी कम होगी। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा सा वक्त के साथ भी इंसान में चेंजेस आते हैं। अगले साल आप स्टोन ना भी पहनती, आपके मिजाज में बदलाव आ जाना था। नाम आपका तबस्सुम है, तबस्सुम जी आप रूबी याकूत का स्टोन पहनिएगा, उसका जो वज़न है 3 कैरेट से लेस नाउ, 1, 2, 3 कैरेट इंग्लिश में कहते हैं, 3 रत्ती उर्दू में कहते हैं, याकूत इसकी उर्दू है, रूबी इसका इंग्लिश है। आप सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह गले में पहनिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा ये वो पत्थर है
जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं सूरत रहमान में, तो उसी पत्थर का तस्करा करते हैं कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। तो ये अल्लाह की नेमत है और आप इंशाल्लाह सूट भी करेगी, आपको रास भी आएगी। ये शुक्र करें आपके लव स्टार्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कि, लेकिन गुस्सा जब आप करती हैं ना, वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो अगर ख़ुद से प्यार है ना, तो गुस्सा करना वैसे भी छोड़ दो। रूबी का स्टोन पहनो, वो सेहत के लिए भी तबस्सुम अच्छा रहेगा, और फीडबैक भी देना कुछ गुस्सा कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर टाइम है मुनीरा जी बोलो। मैं मतलब मैंने कहा ये तो नहीं कोई जी बोले आप बोले। मैं यहाँ पे पहले भी उसने किस्सा सुनाया कि मेरी दोस्त को मैंने रूबी पहनाया, बताया था आपने। तो वो जब उनके बच्चे क्या करते थे कि जब माँ को गुस्सा आना तो बच्चों ने सारों ने देखना माँ की उंगली में अंगूठी है कि नहीं है। वो मेरे पास आई कहती ये लो बहन शुक्रिया के साथ स्टोन रखो, मेरा तो मियाँ सर चढ़ गया है क्योंकि मैं लड़ना छोड़ गई हूँ। तो उसको समझते है कि मैं हर बात बर्दाश्त कर लूंगी। ये भी देख ली, मैंने भी जमाना है। मैंने जितना मेरे अंदर गुस्सा था ना तबस्सुम, मैं आपको अपनी कहानी फालतू वक्त में या किताब लिख के सुनाऊंगी। तो मैंने जमुर्द से अपने गुस्से को कंट्रोल किया है और अब मुझसे लड़ा ही नहीं जाता। मैं हर उस जगह से भागती हूँ जहाँ लड़ना पड़ जाए, मैं रो लेती हूँ, गुस्सा नहीं कर सकती होती। तो मैंने जमुर्द से अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। तो ये स्टोन कहते हैं ना कि नहीं करना चाहिए। हाँ तो वैसे भी नहीं, और ये बड़ा तबस्सुम का दिल बड़ा बेबीज वाला दिल है कि फौरन ही बेचारी को सॉरी फील होता होगा, लेकिन क्योंकि मुंह से जुबान निकली तीर से, वो कहते हैं ना कमान से निकला पराये हो जाते हैं। जी तो कुछ रिश्ते तो माफ़ कर देते हैं, कुछ रिश्ते माफ़ ही नहीं देते। लेकिन व्यूअर्स जो भी है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जब गुस्सा आपको आए तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें। सबको बता दूं कि चिकन पॉपर्स इन हॉट सॉस ये बन रहे हैं जिसको मैंने मैरिनेट करने के साथ ही ऐड कर दिया, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर देना है। अब आप इसका देखें चिकन पॉपर्स इन हॉट सॉस का रेसिपी कार्ड। वेलकम बैक। और ये सिक्के रेसिपी आपने देख ली है। तो सामने जी यहाँ पे चिकन पॉपर्स हमारे बड़े मज़ेदार रेडी हो रहे हैं जो कि चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी हैं तो उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, मैं नुज़हत बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी नुज़हत कैसी हैं आप, प्रोग्राम देख रही हैं ना? जी बिल्कुल देख रही हूँ। मैं तो वीकेंड का मुझे पता नहीं था, लेकिन आप तो वीकेंड पे भी आती हैं तो मैंने फिर वीकेंड में भी देखना शुरू किया हुआ है। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू। जी सामा जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगी? जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। आमीन। अब मैं ठीक हो रही हूँ, आप लोगों का प्यार ही ठीक कर देगा मुझे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैं आपके किस काम आ सकती हूँ प्लीज बताइए मुझे। आज मैंने अपनी सहेली के बेटे के बारे में पूछना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी से उसका तारीख पैदाइश लिखवा दीजिए। सहेली का नाम है निजारा। नहीं नहीं, सहेली का नाम नहीं चाहिए, बेटे की डेट ऑफ बर्थ और उस बेटे का नाम चाहिए। ठीक है ठीक है। उसका है 14th नवंबर 14th नवंबर 1988 और टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का? वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे रात के। ओके अच्छा, अब जल्दी से बच्चे का सवाल और बच्चे का नाम भी बताइएगा मुझे। उस मोहम्मद हमजा, हमजा नाम है। और सवाल सवाल क्या है? सवाल शादी के बारे में पूछना है, और उसकी जो भी उसकी थोड़ी नज़र आता है आपको मुश्किल उसमें तो वो बता दें प्लीज़। शुक्रिया बहुत,
वो आपको बहुत दुआएं देगी। अरे क्यों नहीं, दुआओं की तो मैं तो चली दुआओं पे रही हूँ, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती मेरी ज़िंदगी सिर्फ दुआओं पे चल रही है। अच्छा जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुनीरा को लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपने यहीं बैठना है, मैं आपका जवाब इंशाल्लाह ब्रेक से वापसी पे फ़ौरन मिलेगा। जी मुनीरा जी, व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चिकन पॉपर्स भी बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, बाकी का जो उसका प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन पॉपर्स एंड चिकन कैश्यू नट एंड ब्लैक सॉस दोनों रेडी हो चुके हैं, जो कि डिस्प्ले में लगा दिए हैं पॉपर्स को भी, और साथ में जो मेरी थर्ड रेसिपी है व्यूअर्स, अब इसको मैं फटाफट जल्दी क्विकली बनाऊंगी, जो कि हनी पाइनएप्पल ड्रिंक है, जिसमें हमें चाहिए हनी पाइनएप्पल, साथ में कैरामल, साथ में वनीला आइसक्रीम एंड आइस, इन सबको हम शेक करेंगे और बनाएंगे। तो बाकी अब आप सामने जी, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसका व्यूअर्स जो रेसिपी कार्ड है पहले आप वो देख लें, हनी पाइनएप्पल ड्रिंक का। जी यहाँ पे मेरी आइसक्रीम शेक और साथ में इस पर कैरामल, साथ में पाइनएप्पल एंड हनी, इसकी मिक्सर से मैं बनाऊंगी अपनी ड्रिंक। तो अब आप सामे जी, जो आपने देना था आंसर, आप तब तक वो दे, मैं तब तक ड्रिंक बना लेती हूँ। क्योंकि हमज़ा की आप लोगों ने सवाल किया था, और हमज़ा के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जहाँ इतना इंतज़ार किया है ना, अगले साल का मिड आ जाने दें, या अगर मंगनी हो भी जाती है तो भी निकाह मत कीजिएगा। अगले साल आप मेरे से रब्ता भी करके डेट पूछ सकती हैं, क्योंकि एफ़ी मेरिज अगले साल का आता है, हमें इस साल के एंड पे या 2019 के स्टार्ट में आएगा, तो बशर्ते ज़िंदगी आप दोबारा भी पूछ सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अगर हो भी जाता है तो नवंबर से शुरू होने वाला टाइम मुश्किलात में जो है ना उसकी निशानदेही कर रहा है उसके लिए, तो अगर कोशिश करें बुरा वक्त गुजार दें, तो जितना या निकाह ही उस वक्त के बाद करें जाके अगले साल के मिड के बाद। बेशक आप मंगनी कर सकती हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल मंगनी ना कीजिए, थोड़ा सा सीक्रेट तरीके से चीज़ों को कर दें, क्योंकि अभी सितारा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन इंडिकेट करेगा। शादी है ज़रूर है और वो स्टेबल है, लेकिन अभी भी उसमें एक सितारा जो नवंबर से यहाँ पर तशरीफ़ ला रहा है, वो उस मैरिज हाउस को ज़रा सा भी डिस्टर्ब करेगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि हमज़ा की ज़िंदगी में कोई नया सेटबैक आए, तो इसलिए आपको वेट करने को कह रहे हैं। आई होप, अल्लाह करे, मैंने अच्छी खबर तो नहीं दी है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि जब होगी तो वो शादी चलेगी। ये वाला वक्त बस मुश्किल है जिससे हमज़ा को गुजरना है। जी मुनीरा जी, यहाँ पे कोशिश तो की आपका टाइम में कम। थैंक यू सामे जी। यहाँ पे व्यूअर्स, जो हमारे रेसिपी इसकी जो थी हनी पाइनएप्पल की, मैंने ये भी इसको रेडी कर दिया, इसके ऊपर बस हम हनी की हल्की सी गार्निश करेंगे। ये देखें इसको इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त, और इसको आप भी ट्राई करें, और बहुत ही एक कहते हैं ना कि एनर्जी वाली आपकी बनेगी ड्रिंक, ये ज़रूर ट्राई करें बनाएं। बाकी कि आपके सामने सारा हमने मेन्यू की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और बहुत क्विकली और बहुत इजी तरीके से बनाएं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि बेसिकली हमारी हमेशा चाइनीज़ रेसिपीज़ की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, और जिसकी वजह से हम सही इसको बना नहीं पाते। मैंने आपको बताया कि आप इसको किस तरीके से बनाना है, वेजिटेबल के बारे में बताया, उसको कैसे स्टर फ्राई करना है, और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताया कि आप इसको किस मेथड से बनाना है। तो ये आज की हमारा कंप्लीट मेन्यू था, और यही नहीं, साथ साथ आज की काफ़ी अच्छी भी व्यूअर्स की काफ़ी गपशप भी रही, काफ़ी आपने उनके सवालों के जवाब भी दिए, और मेरे ख्याल उनको काफ़ी सुकून मिला होगा, अल्लाह करे काफ़ी ज़्यादा। इसी तरह नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट पीर मंगल और बुध को फिर मैं मुनीरा के किचन में यहीं पाई जाऊँगी, तो आप हमें जो है जवाब आप मुनीरा को लिखवा भी सकते हैं सवाल, अगर मैं ना भी हूँ, या हमारे फ़ैन पेज पे भी आप डाल सकते हैं। तो आपने ये सिलसिला जारी रखना है ताकि हमें फीडबैक मिलता रहेगा, तो हम एनर्जेटिक भी रहेंगे और चार्ज भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
इसी मैसेज के साथ व्यूअर्स आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे और सामिया खान को आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।